ये तस्वीरें उन गरीबों के बच्चों की हैं जो बेरोजगारी के चलते प्राइवेट स्कूलों की फीस अदा नहीं करने के कारण अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं। लेकिन मेवात के अधिकतर स्कूलों में स्टाफ की कमी के कारण बच्चे टाइम पास करके यूं ही घर लौट जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य राम भरोसे है। मामला नूह जिले के गाँव बडेड़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने दो गेस्ट टीचरों को लगा रखा है, लेकिन स्कूल के कामकाज में व्यस्त होने के चलते ये दोनों अध्यापक भी बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण बच्चे थोड़ा बहुत खुद ही पढ़ पाते हैं। क्या नाम है? मोहित खान। कौन सी क्लास है? आठवीं। तो टीचर नहीं है क्या आज? इस तरह से आप बिना टीचर के बैठे हैं। टीचर नहीं है? कितने दिनों से नहीं है? फिर पढ़ाई कैसे हो रही है आपकी आठवीं क्लास की? है बढ़िया हो रही है? बिना टीचर कैसे बढ़िया हो रही है पढ़ाई? अपने आप पढ़ते हैं। क्या नाम है? मुमताज। मुमताज, कौन सी क्लास है? आठवीं। तो आठवीं क्लास के लिए पढ़ाने के लिए टीचर है या नहीं है? नहीं। तो बिना टीचर के पढ़ाई हो रही है आपकी ठीक ढंग से? किस तरह कर रहे हो बिना टीचर पढ़ाई? आप करते हो? आपको बता दें कि प्रदेश के जिलों में मेवात जिला ही एक ऐसा जिला है जहां अधिकतर स्कूलों में टीचरों की कमी आज भी बरकरार है, जिसको सरकार भी पूरा नहीं कर पाई है। मेवात के स्कूलों में टीचरों की कमी के कारण गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। वहीं स्कूल के टीचरों का कहना है कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हमारे पास 6 से 12 में दो टीचर हैं, एक संस्कृत टीचर है और एक मैं हूँ एसएस मास्टर, जो इंग्लिश और एसएस में पढ़ाता हूँ छठी से लेकर 12वीं तक। और जो शास्त्री जी है वो डाक का और अन्य काम करते हैं, सीआरसी का काम करते हैं। लेकिन हमने इनको यही गाइड कर रखा है कि बेटे जितने हम जो दो टीचर हैं जितना हम करा सकते हैं हम कराते हैं, और उसके अलावा इनको सेल्फ स्टडी के लिए हमने जो है इनक्रेज कर रखा है कि बेटे ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करें, और ताकि हमारा रिजल्ट ठीक आ सके। तो सर बिना टीचरों के तो पढ़ाई संभव नहीं है ना बच्चों की? बात तो आपकी सही है सर, लेकिन हम यही करते हैं कि बीच बीच में जो हमारे प्राइमरी के टीचर हैं उनसे भी हम व्यस्तता के लिए ऊपर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो दो जो पीटी टीचर लिए हुए हैं ऊपर, वो 9 to 12 को देखते हैं, और उनके साथ साथ मैं भी इंग्लिश और हिस्ट्री की उनकी क्लासेस लेता हूँ। तो सर जिस तरह से स्कूल में स्टाफ की कमी है, तो आपने किसी उच्च अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया क्या? हाँ जी सर, इससे पहले अभी हमारी 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी डीओ साहब के साथ, और एसडीएम भी थे उसमें। उसमें भी हमने उनका अवगत कराया कि सर हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमें आप प्रोवाइड कराएं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद में कल भी डीओ और DEEO साहब की कल मीटिंग थी, उसमें भी हमारे शास्त्री जी ने कल पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको 2 लेक्चरर 9 to 12 के लिए मिलेंगे, और जिसमें आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड की क्लासों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे।